हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल एडिटिंग विद मनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी किसी भी फ़ोटो में से गैर ज़रूरी चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं है उस फ़ोटो के अंदर, उसको आप बहुत ही आसान तरीके के साथ रिमूव कर सकते हैं। हम बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, कोई पीछे कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है जो हमें पसंद नहीं होती है, जो हम चाहते हैं कि यार ये होनी ही नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आप अपनी उस फ़ोटो के अंदर से बआसानी ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अच्छा, इस चीज़ के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपने सिंपली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन ओपन हो गई, यहाँ से आपने जाना है गैलरी के ऑप्शन पे, ये जो फर्स्ट है, यहाँ से आपने अपनी कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें से आप कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केज टंगा हुआ है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे केज नहीं चाहिए, मुझे सिंपली ये बैकग्राउंड चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हम इसको केज को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं इस फ़ोटो के अंदर से, मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह ही इसके कोई भी फ़ोटो के अंदर कोई टेक्स्ट है, कुछ भी है, आप इसको बआसानी रिमूव कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर, यह आपको पहली ऑप्शन नज़र आ रही होगी ब्रश की, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो आप चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, उसको आपने ऐसे सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करना है रेड पे, ठीक है। ये रेड कलर के अंदर जो आपकी जो चीज़ आएगी जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अभी आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम अच्छी तरह से इसको ड्रैग कर लेते हैं सब पर, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ये देखिए जी, हमारा ये अच्छे से हो गया, आपने भी बिल्कुल अच्छे से करना है। इसके बाद आपने देखना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई कोई हिस्सा, तो उसको आप बाद में भी कैसे कर सकते हैं। सही इतना होने के बाद आप देखें नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है प्रोसेस की, आपने सिंपली प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और ये देखें कि आपका जो वो जो चीज़ थी जो आप उसको रिमूव करना चाहते थे वो कितनी आसानी के साथ और पता भी नहीं लग रहा कि इधर कोई चीज़ थी। इसके बाद आपने इसको ऊपर से कर देना है सेव, ये आपकी गैलरी के अंदर फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।